आपका स्वागत है, मैं हूं शायका। आजकल बिहार विधानसभा चुनाव का खुमार नेताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। हर पार्टी और उनके नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इन सब दावों के बीच एक नाम सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और वो नाम है प्लूरल्स पार्टी की संस्थापक पुष्पम प्रिया चौधरी का। लंदन से मास्टर्स की डिग्री लेकर लौटी पुष्पम प्रिया चौधरी भी चुनावी मैदान में है और सीधे बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहती है। तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। बाकायदा प्लूरल्स पार्टी का गठन किया और संस्थापक होने के नाते पुष्पम के भी बड़े बड़े सपने हैं। पुष्पम चुनाव जीत कर सीधे बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे दिग्गज नेताओं के बीच पुष्पम प्रिया भी अपना दमखम दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है। पुष्पम प्रिया चौधरी का अंदाज भी बहुत निराला है। आमतौर पर नेता सफेद कुर्ते पजामे में नजर आते हैं, लेकिन पुष्पम प्रिया ब्लैक ड्रेस में नजर आती हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी प्लूरल्स पार्टी ने बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और खुद पुष्पम प्रिया चौधरी दो सीटों से चुनाव लड़ रही हैं। ये दोनों सीट है बांकीपुर और बिस्फ की है। हुए हैं और हर दिन जनता के बीच पहुंच रही है। पुष्पम की सभाओं में भीड़ भी जुट रही है और लोग उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। पिछड़ा होने का मतलब होता है कि यहाँ पे जितने भी लोग अभी हम लोग मौजूद हैं, उनकी जिंदगी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। 74 साल पहले हम आजाद हुए थे, वो आजादी बहुत मुश्किल से मिली थी। सबने स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा कि कितनी मुश्किल से वो आजादी मिली थी। वो आजादी इस वजह से नहीं मिली थी कि कहीं कागज पे लिखा जाएगा कि हम प्रजातंत्र हैं। वो आजादी इस वजह से मिली थी कि यहाँ पे जितने भी लोग आप लोग खड़े हैं, सबके पास नौकरी होती, एक इज्जत वाली नौकरी होती, और जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इन घटिया सड़कों की, वो अच्छी होती। पूरा सिस्टम पिछले 30 साल में इन्होंने चौपट कर दिया। पुष्पम प्रिया मेहनत तो खूब कर रही हैं, लेकिन एक पार्टी को खड़ा करने के लिए अभी उन्हें और मशक्कत करने की ज़रूरत है। पुष्पम प्रिया भले ही उतनी मजबूत ना हो, लेकिन उनके काम करने के तरीके से लगभग सभी पार्टियां प्रभावित हैं। पुष्पम प्रिया भी अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए मतदाताओं के बीच पहुंच रही हैं। प्रचार के दौरान पुष्पम ने कहा कि हमारी कोशिश है बिहार चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की। बिहार चुनाव में मुख्य मुकाबला NDA और महागठबंधन के बीच नज़र आ रहा है। इस पर पुष्पम प्रिया ने कहा कि अब उनका वक्त खत्म हो गया है। हालांकि पुष्पम ने पूरी उम्मीद जताई है कि प्लूरल्स पार्टी की सरकार ही बनेगी। राजनीति कर रही हूँ, राजनीति वैसे ही होनी चाहिए, और अगर अलग तरह की राजनीति हो रही थी तो उसे बदलने की जरूरत है। उन्होंने अपने पार्टी के मैनिफेस्टो और रोड मैप को लेकर कहा कि हमने पहले ही मैनिफेस्टो निकाला है और 8 नए महानगर बनाएंगे और नौकरियां लानी है। घराने से ताल्लुक रखने वाली
पुष्पम प्रिया बिहार के दरभंगा की रहने वाली है और इनके पिता विनोद चौधरी जेडीयू में एमएलसी रह चुके हैं और नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं। पुष्पम प्रिया ने लंदन से मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह किसी नौकरी का ख्वाब न देखकर बिहार के हालात को बदलने का ख्वाब देख रही हैं। इसलिए पुष्पम बिहार की मुख्यमंत्री बनना चाहती है। प्लूरल्स पार्टी का लोगो है पंख लगा हुआ घोड़ा। पुष्पम प्रिया कहती है कि बिहार की तस्वीर यही घोड़ा बदलेगा और यही पंख बिहार को नई उड़ान देगा। पुष्पम प्रिया अब धीरे धीरे पॉपुलर हो रही हैं। जो भी उन्हें जानता है सीधे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में ही जानता और पहचानता है। पुष्पम प्रिया चौधरी सुर्खियों में तब आई जब वह लंदन से पढ़ाई करके बिहार लौटे और सभी अखबारों के फ्रंट पेज में विज्ञापन देकर खुद को बिहार का अगला मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं था। कर दिया और नाम रखा प्लूरल्स पार्टी। पुष्पम प्रिया के पास राजनीतिक अनुभव तो नहीं लेकिन विरासत जरूर है। उनके साथ कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी है। बिहार के कई जिलों के स्कूल अस्पताल गांव चौपाल तक बराबर पुष्पम प्रिया दौड़ लगा रही हैं और बड़ी तेजी के साथ लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ रही हैं। चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि पुष्पम प्रिया अपनी सीट ही कैसे जीतेंगी यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार के चुनाव में किसी नए उम्मीदवार का बिना जातिवाद के सफल हो जाना टेढ़ी खीर होती है।